अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही कमाल की और एक बेहतरीन मंज़र जो आप देख रहे होंगे, ये है हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में लकड़ी के पुल, इसको झूला पुल भी यहाँ कहते हैं। उसकी वजह जब आप इसके ऊपर से गुज़रते हैं तो ये हल्का हल्का हिलता है, ऊपर नीचे होता है, तो जिससे आपको झूले से मिलते हैं। तो ये सुबह का नज़ारा था, बहुत ही कमाल का नज़ारा है सुबह का। तो ये परिंदों की आवाज़ें, कोयल की आवाज़ और बाकी परिंदे बोल रहे हैं। तो ये इसके ऊपर तख्ती भी लगी हुई है कि ये कब बना था, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। इसका इफ्तिताह किया था सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने, जो वज़ीर आज़म थे हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और ये तमीर किया गया है 1986 को। तो थोड़ा सा नज़दीक इसके ऊपर चल के भी दिखाते हैं आपको कि हल्का हल्का ये वाइब्रेट होता है। अभी इसका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, ये देखें दाएं तरफ से इसके मुतबादल उन्होंने सड़क ये देखें ये बना दी है। तो ये वो पुल है छोटा सा, उसके नीचे उन्होंने सुराख रखे हुए हैं। अब ट्रैफिक ज़्यादातर उसी से गुज़रती है क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है और इस पर इतनी ट्रैफिक हैवी नहीं गुज़र सकती। पैदल जाने वाले लोग तो गुज़र जाते हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं गुज़रती। तो ये एक सकाफत है यहाँ की जो अब आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है क्योंकि इसकी जगह अब कंक्रीट के पुलों ने ले ली है। जब इतने यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंक्रीट के पुल बनाने का रिवाज नहीं था, तो तब यही पुल ये दरिया नाले क्रॉस करने का ज़रिया थे। तो मैंने कहा अपने नाज़रीन के लिए इसकी एक वीडियो बना लूं ताकि ये जो अब ख़त्म होती सकाफत है वो सेफ़ हो सके। तो ये चारों तरफ के आप नज़ारे देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये हरियाली है, सब्ज़ा है, खुशगवार धूप है सुबह सुबह की। ये पहाड़ी के ऊपर से देखें सूरज अभी तलू हो ही रहा है। ये सारे इर्द गिर्द के नज़ारे हैं, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। अगर ये आपने पुल देखना हो तो आप कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो मैं बताता चलूँ कि अगर ये पुल आप देखना चाहते हैं तो आप गुजरात से बिम्बर से डंडी चौतरा वाली टॉप क्रॉस करेंगे तो नीचे संधुवा गांव आता है, साथ आगे समानी है, समानी शहर है, बिम्बर की तहसील भी है। तो समानी चौक है जहाँ पे, उससे एक मिनट से आधे मिनट की पैदल वॉक पे ये पुल आ जाता है। तो ये नाज़रीन अभी आपको मेरा मोबाइल हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये सामने से एक भाई आ रहे हैं तो उस वजह से ये पुल हिल रहा है और झूले आस्ता आस्ता इस तरह झूले से महसूस हो रहे हैं, इसके लिए इसको झूला पुल भी कहते हैं। तो ये कश्मीर का मंज़र आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। ये देखिए सुबह का नज़ारा था जो मैंने आपको दिखाया, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि वतन अज़ीज़ तू सलामत रहे, ताक़यामत रहे, आपकी बहारें ऐसे ही खिलती फुलती रहें और हमेशा लहलहाता रहें। अल्लाह हाफिज़।